Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Rural College, University of Allahabad. This is my email ID and the lecture will be in bilingual mode, and nowadays I am discussing topics under the main heading of Inclusive Education या समावेशी शिक्षा पर बात चल रही है आजकल. और आज हम बात कर रहे हैं क्या NCF 2005 क्या कहता है समावेशी शिक्षा. And the lecture will be in bilingual mode and must be useful for various competitive teaching examinations as well as for your regular and professional BA, BMA and BH, MH courses. So first of all, हम बात करें कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 क्या है या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा क्या है. तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के पहले भी बनती रही है, 1975 में, 1988 में, 2000 में और 2005 के बाद भी बनी है, 2009 और 2014 में. लेकिन हम स्पेशली इस बार इस समय 2005 का एनसीएफ देखेंगे कि ये इंक्लूजन पे क्या कहता है. तो आपको ये जानना होगा कि जो एनपीए 1986 में आई है और जो उसका पीओए 1992 में आया है, उसने एनसीईआरटी को ये स्पेशल रोल दिया कि आप एनसीएफ को बनाइए, उसको प्रमोट कीजिए. एनपीए ने देखा कि एक ऐसा हमारे पास नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए जिसमें कुछ कोर वैल्यूज हों, है ना, वो जो पूरा थ्रू आउट द इंडिया उसको फॉलो करते हुए सिलेबस बनाया जाए, फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कि कोई विशेष राज्य अगर अपनी लोकल नीड्स के हिसाब से उसमें कुछ चेंज करना चाह रहा है तो वो करे, लेकिन कोर वैल्यू वही हो. और जो इतनी जल्दी जल्दी क्यों एनसीएफ बार बार आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि समाज बदल रहा है, उसकी आवश्यकता बदल रही है, बच्चों की आवश्यकता बदल रही है. तो आप वही 1975 के हिसाब से करिकुलम रखकर नहीं चल सकते. नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क, नाम ही कह रहा है कि हम नेशनली करिकुलम का फ्रेमवर्क बना दे रहे हैं और आप उसी को ध्यान में रख के अपना करिकुलम डिसाइड कीजिए. और चूंकि समाज बदल रहा है, बच्चों की आवश्यकता बदल रही है, तो हम समय समय पर अपडेट करते रहेंगे अपने आप को. तो आपको ये देखना होगा 2014 के बाद से नहीं बन पाया है, जबकि बात हुई थी कि हर 5 साल पे बनेगा, तो ये नहीं बन पाया. लेकिन चलिए कोई बात नहीं. तो हम 2005 की बात कर रहे हैं कि 2005 में क्या कहा गया इंक्लूजन पर. और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि ये गाइडलाइन बना सके कि जो स्कूल्स एजुकेशन है, जो स्कूल्स है इंडिया के, उनमें किस तरीके का सिलेबस, टेक्स्ट बुक और टीचिंग प्रैक्टिसेस रन करेंगी. तो इंक्लूजन का रिफ्लेक्शन कैसे आया ना एनसीएफ 2005 में, कि उसके पहले इंडिया ने एक सीआरसी पे साइन किया. सीआरसी क्या है, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड. और ये क्या कह रहा है सीआरसी में, ये कह रहा है कि तीन तरीके के राइट्स हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स हैं, जो कि कौन कौन से. पहला है राइट टू पार्टिसिपेशन, फिर राइट टू ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा राइट टू इंफॉर्मेशन. वो कह रहा है कि हर बच्चा, वो कितना भी डिफरेंटली एबल्ड हो, उसको प्रतिभागिता का अधिकार है, उसको संगठन या संगठित होने का अधिकार है, उस तक सही सूचना पहुंचे ये अधिकार है. फिर वो कह रहा है कि ये तीन अधिकार अगर उसके पास हैं तो वो बाकी अधिकारों के प्रति सजग हो सकता है. और जो सीआरसी है वो सिर्फ ये नहीं, उसका लेना देना सिर्फ इतने से नहीं है कि हम बच्चे के राइट को प्रोटेक्ट कर सके. वो कह रहा है बच्चे को ये भी अधिकार होना चाहिए, सुनिश्चित कर सके हम कि उसको किस तरीके की सूचना मिल रही है, किस तरीके की सर्विसेज मिल रही है, उसकी क्वालिटी को भी वो डिटरमाइन कर सके. यानी कि स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन वो गवर्नेंस में चाहते हैं. तो इस तरीके के स्टूडेंट के राइट्स के प्रिजर्वेशन की बात आई, इंक्लूजन का रिफ्लेक्शन आया हमारे एनसीएफ 2005 में. तो ये एज इट इज पॉलिसी से उठाए गया सेंटेंसेस हैं. ये क्या कहती है, बहुत अच्छे अच्छे, ये हर लाइन अपने आप में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत लंबा. वो कह रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन इज अबाउट एम्ब्रेसिंग ऑल, यानी कि समावेशी शिक्षा का मतलब सबको साथ में लेकर चलना. डिसेबिलिटी इज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्टेड. वो कह रहा है कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई डिसेबल्ड है तो ये आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है कि आप उसको स्वीकार कीजिए और उसको संरक्षित कीजिए. No selection procedures to be adopted for denying admissions to learners with disabilities. वो कह रहा है कि कोई भी बच्चा है, उसको कोई भी विसंगति है, आप उसको एडमिशन से मना नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं बन सकता है. Children do not fail, they only indicate failure of the school. वो बोलता है बच्चे फेल नहीं होते, बल्कि वो अगर फेल होते हैं तो वो विद्यालयी सिस्टम का फेल्योर है. एक्सेप्ट डिफरेंस, सेलिब्रेट डाइवर्सिटी. वो कह रहा है कि आप जितना अंतर है उसको एक्सेप्ट कीजिए और जितना ज्यादा डाइवर्सिटी आपकी क्लासरूम में उसको सेलिब्रेट कीजिए. इंक्लूजन इज नॉट कन्फाइंड टू द डिसेबल्ड, इट ऑल्सो मीन्स नॉन एक्सक्लूजन. वो कह रहा है कि डिसेबल्ड है वही, उसी को नहीं इंक्लूड करना है, हर तरीके का आपको इंक्लूजन करना है. इसका मतलब आप किसी को भी एक्सक्लूड नहीं करेंगे, नॉन एक्सक्लूजन की पॉलिसी लेके चलिए. लर्न ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों की रक्षा कीजिए, मानवाधिकार का संरक्षण कीजिए. हैंडीकैप इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, डी कंस्ट्रक्ट हैंडीकैप. वो कह रहा है कि जो हैंडीकैपनेस है वो एक तरीके से क्या है, सामाजिक निर्माण है. यानी कि हम समाज ने बताया कि तुम सबके समान नहीं हो, तुम कमतर हो, सबके समान नहीं हो वहां तक ठीक है, पर कमतर हो बताने वाला समाज कौन होता है.
इसलिए हमको क्या करना है, इसको डीकंस्ट्रक्ट करना है, इसको तोड़ना है. आप अलग हैं लेकिन आप कमतर नहीं है, ये बताना है हमको. और मेक प्रोविजंस नॉट रिस्ट्रिक्शंस, एडजस्ट टू द नीड्स ऑफ द चाइल्ड. वो कह रहा है कि आप इस तरह की प्रोविजन बनाइए ना, रोकते क्यों है, रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाते हैं. बच्चे की नीड के हिसाब से एडजस्ट कीजिए अपने आप को, अपने सिस्टम को, अपने टेक्स्ट बुक को, अपने करिकुलम को. और क्या करिए, फिजिकल, सोशल और इवन एटीट्यूडनल बैरियर हटा दीजिए. मतलब मार्ग में कोई भी अवरोधक तत्व नहीं आना चाहिए. पार्टनरशिप इज अवर स्ट्रेंथ. वो कह रहे हैं कि जितना ज्यादा आप पार्टनरशिप से काम चलेंगे उतना ज्यादा शक्तिशाली बनेगा आपका स्कूल सिस्टम. जैसे स्कूल और कम्युनिटी के बीच का पार्टनरशिप, स्कूल और टीचर्स के बीच में पार्टनरशिप, टीचर्स और टीचर्स के बीच में पार्टनरशिप, टीचर्स और चिल्ड्रन के बीच में पार्टनरशिप, चिल्ड्रन चिल्ड्रन के बीच में पार्टनरशिप, टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में, और स्कूल सिस्टम और आउटसाइड सिस्टम. आप देखिए कि इनमें से कोई भी अगर गलत हो जाएगा या नहीं होगा तो कितनी दिक्कत होगी. यानी कि बच्चे बच्चे आपस में, बच्चे शिक्षक आपस में, शिक्षक अभिभावक आपस में, शिक्षक शिक्षक आपस में, विद्यालय समुदाय आपस में, विद्यालय शिक्षक आपस में, अगर पार्टनरशिप से काम करेंगे तो एकदम रामराज्य हो जाएगा. और ऑल गुड प्रैक्टिसेस ऑफ टीचिंग आर प्रैक्टिसेस ऑफ इंक्लूजन. वो कह रहा है कि शिक्षण की जितनी भी अच्छी प्रैक्टिसेस है वो सब समावेशी अभ्यास है. और लर्निंग टुगेदर इज बेनिफिशियल फॉर एवरी चाइल्ड. यानी कि जो डिफरेंटली एबल्ड नहीं है उसके लिए भी बेनिफिशियल है अगर वो डिफरेंटली एबल्ड के साथ पढ़ता है तो. सपोर्ट सर्विसेज आर एसेंशियल सर्विसेज इफ यू वॉन्ट टू टीच. लर्न फ्रॉम द चाइल्ड, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स नॉट लिमिटेशन. वो कह रहा है कि अगर आप कुछ पढ़ाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं बच्चे से, तो उसकी शक्तियों को पहचानिए ना कि उसकी कमियों को. और इनकलकेट म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड इंटरडिपेंडेंस. इतनी बातें पॉलिसी कहती है इंक्लूजन पे, और भी बहुत कुछ बातें कहती है. वो कह रही है कि क्या करना चाहिए हमको, ए पॉलिसी ऑफ इंक्लूजन नीड्स टू बी इंप्लीमेंटेड इन ऑल स्कूल्स एंड थ्रू आउट अवर एजुकेशन सिस्टम. यानी कि सभी विद्यालयों में और पूरे हमारे शिक्षण तंत्र में ये समावेशी शिक्षा की नीति को इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए. पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन नीड्स टू बी इंश्योर्ड इन ऑल स्फीयर्स ऑफ देयर लाइफ इन एंड आउटसाइड द स्कूल. वो कह रहा है कि हर बच्चे का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो विद्यालय के अंदर हो या विद्यालय के बाहर, हमको पार्टिसिपेशन इंश्योर करना है. यानी कि कोई भी ऐसा ना हो जो अपना प्रतिभाग ना कर पा रहा हो. Schools need to become centers that prepare children for life and ensure that all children, especially the differently abled children from marginalized sections and children in difficult circumstances, get the maximum benefit of this critical area of education. वो कह रहा है कि विद्यालयों को इस तरीके के केंद्र के रूप में विकसित होना होगा कि वो बच्चों को जीवन के लिए तैयार कर सके, और ये सुनिश्चित कर सके कि खास तौर से जो जिसके पास कोई विभिन्न प्रकार की योग्यता है, जो सीमांत क्षेत्रों से आता है, जिसको जो कुछ डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस का बच्चा है, उसको सबसे ज्यादा लाभ मिलना चाहिए. और अपॉर्चुनिटीज टू डिस्प्ले टैलेंट्स एंड शेयर दीज विद पीयर्स आर पावरफुल टूल्स इन नर्चरिंग मोटिवेशन एंड इन्वॉल्वमेंट अमंग चिल्ड्रन. वो कह रहा है कि जिसमें जो भी टैलेंट है उसको शेयर कीजिए पीयर ग्रुप के संग, तो बहुत ज्यादा ये इन्वॉल्वमेंट और मोटिवेशन नर्चर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पावरफुल टूल हो सकता है. और क्या कह रही है ये कह रहा है कि स्कूल्स ऑल्सो अंडरमाइन द डाइवर्स कैपेबिलिटीज एंड टैलेंट्स ऑफ चिल्ड्रन बाय कैटेगराइजिंग देम वेरी अर्ली ऑन नैरो कॉग्निटिव क्राइटेरिया. वो कह रहा है स्कूल्स ज्यादातर क्या करते हैं कि सिर्फ कॉग्निटिव क्राइटेरिया पे कुछ बच्चों को एवरेज, अबव एवरेज, बिलो एवरेज और गिफ्टेड करा देते हैं, और उनको हम उनके बाकी टैलेंट को और डाइवर्स कैपेबिलिटी पे ध्यान नहीं देते. इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर कोर्सेज ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर देयर पीपल्स, स्कूल हेड्स and school managements need to de-stress their curricula and advise parents to de-stress children's life outside the school. आजकल parents परेशान रहते हैं कि school के बाद बच्चा आया तो वो coaching चला जाए, tuition चला जाए, उसको पढ़ाना है पढ़ाना है पढ़ाना है. जिंदगी सिर्फ पढ़ना पढ़ाना नहीं है, उसको de-stress कीजिए, उसको और चीजें सिखाइए. वो cognitive dimension में अगर कमतर है तो कुछ तो होगा उसमें जो उसके पास unique होगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा, उसको nourish करे, ना कि उसको ये बताते रहे कि तुम्हें ये कमी है. The ideal of common schooling advocated by Kothari Commission 4 decades ago continues to be valid as it reflects the values enshrined in our constitution. वो कह रहा है कि कोठारी कमीशन ने जो 1964 में कॉमन स्कूलिंग की बात की थी वो आज भी 4 दशक बाद भी उतना ही रेलिवेंट है. क्यों? क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है. दिस आइडिया इज इवन मोर रेलिवेंट नाउ बिकॉज एजुकेशन हैज बिकम अ फंडामेंटल राइट. वो कह रहे हैं अब तो ये और ज्यादा रेलिवेंट हो गया क्योंकि शिक्षा को अब क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया. तो क्या हो गया कि मतलब कि अधिकार है, यानी कि हर बच्चे को पढ़ना ही पढ़ना है, राज्य की जिम्मेदारी है कि उसको हर बच्चे को पढ़ाना है. तो क्या होगा, which implies that millions of first generation learners are being enrolled in schools. तो स्कूल सिस्टम को ये ध्यान रखना होगा कि करोड़ों ऐसे बच्चे पहली बार पढ़ने आए हैं जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर अपने अपनी पीढ़ी के हैं, अपने खानदान के हैं. तो आप उनसे वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि सब लोग एक ही जैसे बिहेव करेंगे क्लास में. ये एक्सपेक्टेशन अपने आप में बेमानी है.
Okay, but schools administrators and teachers should also realize there have been boys and girls from different socio-economic and cultural backgrounds and different levels of ability study together. The classroom ethos is enriched and becomes more inspiring. वो कह रहा है कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर और टीचर्स को ये रियलाइज करना चाहिए कि जब डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल बैकग्राउंड और डिफरेंट लेवल्स ऑफ एबिलिटी के लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते हैं तो उससे उनके जो कक्षा कक्षा का इथॉस बढ़ता ही है, इंस्पायरिंग ही बनता है. मतलब कि आपको हर हाल में इंक्लूड करना है हर बच्चे को. ये इंक्लूजन का रिफ्लेक्शन हमको एनसीएफ 2005 में मिलता है. ठीक है, तो इन दिस मैनर एनसीएफ बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है. बहुत सारे उसमें पॉइंट्स हैं जो हम अभी तक नहीं अपना पाए हैं, नहीं उसको इम्प्लीमेंट कर पाए हैं, पर इंक्लूजन पे इसने ये कहा. तो हम सिर्फ इंक्लूजन पे बात कर रहे थे तो हमने सिर्फ इतना ही मैटर कवर किया है. तो आई हैव कम्प्लीटेड द नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क 2005 व्यू पॉइंट ऑन द पॉलिसी ऑफ इंक्लूजन. तो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. डन फ्रॉम माई साइड.